आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे किचन अडोरा में। सो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है कच्छ की डाबेली। गुजराती बहुत ही फेमस डिश है। सो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसमें से एक और वेरिएशन मैं आपके साथ लेके आई हूँ, दैट इज़ गुजरात की रेसिपी डाबेली। तो इसके लिए पहले इमली की चटनी बनाना है, उसका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बॉयल्ड पोटैटोज उसको मैश कर दिया है। ड्राई रोस्ट करना है पीनट्स को। पीनट को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उसका छिलका रिमूव करके अलग रख लीजिए। सो हमें हल्का सा भूनना है कढ़ाई पे, या आप तवा पे भी कर सकते हैं। सो हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हमारे पीनट्स, उनके छिलके निकाल लेना है। अब हमें अपना डाबेली की स्टफिंग तैयार करना है। उसके लिए पहले कढ़ाई में डाला थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, फिर डाला डाबेली मसाला, फिर डाल दिया थोड़ा सा पानी। जब वो भुना गया, पानी डाल के थोड़ा सा देर रखना। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपनी इमली की चटनी जो बनाई थी हमने। गुजराती डिश में थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आता तो अच्छा लगता है, तो इसमें मीठापन देगा ये इमली की चटनी, खट्टा भी देगा मीठापन भी देगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी आपको। फिर थोड़ा सा हल्दी डाला मैंने, फिर डाल दिया अपना बॉयल्ड एंड मैश पटैटो, उसको डाल देना, वो पूरा पानी सोख लेगा और हल्का सा उसको गीलापन दे देगा जो हमारी स्टफिंग रहेगी। इसको इंडियन बर्गर भी कह सकते हैं, समवॉट उसी टाइप बनता है ये, पर अच्छा लगता है, इसका टेस्ट मसाला अलग है। सो देखिए हमारी जो स्टफिंग है उसको सुखा लेना, पानी ऑब्जर्व कर लेना, थोड़ा हल्का सा गीला पे ही उतारना है और हल्का सा नमक डाल देना है। अपना टेस्ट कर लीजिएगा, उस हिसाब से अपना नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। सो देखिए हमारा डाबेली मसाला पूरी तरह तैयार है, अच्छे से मिला लिया। अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, और डालना चाहें तो आपकी पूरी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। देन इसमें कटे हुए मैंने ग्रेप्स डाले हैं जो उसको फिर खट्टा मीठा फ्लेवर देगा, और फिर थोड़ा सा चेरी, लाल चेरी जो केक के ऊपर डलती है उसको काट के पीसेस में उड़ाल दिया है। सो कितना कलरफुल लग रहा हमारा डाबेली मसाला। तो इस तरह स्टफिंग बना के आप अपना एक प्लेट में रख लीजिए, और स्प्रिंकल करिए थोड़ा सा धनिया पत्ती, और ये जो हमने पीनट्स थे उसके छिलके निकाल दिए, उसके अंदर डाबेली मसाला उसमें मिलाना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है हल्के हाथों से। जो राउंड पाव होता है या बर्गर वाला ब्रेड होता है उसको बीच से काटना है, स्लिट करना, बीच से तवा गर्म कराना है। एक पाव पे हमें इमली की चटनी, एक पे टमाटो केचप लगाना है। सो दो पे इमली लगा दिया मैंने और दो पे मैंने टमाटो केचप लगा लिया। ये होममेड टमाटो केचप है, इसका भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर अब जो डाबेली स्टफिंग बनाई थी हमने वो इसके ऊपर लगाएंगे, बन के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना उसको, और उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, और दूसरे पाव से उसको ढक देना है हमें, और थोड़ा सा डालना है जो मूंगफली हमने बनाई थी अभी। तवा पे डाला थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसको कवर करके अब इसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। हल्का एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए दोनों तरफ से। आप चाहे तो बटर में सेक सकते हैं, घी में सेक सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो देखिए कितने अच्छे से सिका गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, सर्विंग प्लेट में। सो देखिए हमारे ढाबेली रेडी हैं, इसको रोल करेंगे आलू भुजिया में और डालेंगे सर्व करने के लिए।